कई हफ्तों के इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि किशोरी लाल शर्मा अमेठी में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट रायबरेली ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व रखती है। इस बीच कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अमेठी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा ने कहा कि यहां से कौन जीतेगा या कौन हारेगा यह जनता के हाथ में है। हम कड़ी मेहनत करेंगे, चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता है, जनता अपना मूड बना लेती है, जिसका उनके लिए काम करेंगे। लोगों की यह धारणा है कि उन्होंने पहले जिसे चुना वह अच्छा था या बुरा। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। इसी बीच उनके साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे भी मौजूद थे। वहीं कांग्रेस पर अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में कहा कि अगर बीजेपी सांसद के तहत पिछले 5 वर्षों में अमेठी में विकास संभव था तो कांग्रेस ने पिछले कई दशकों में अमेठी को इतना नुकसान क्यों पहुंचाया। अमेठी की जनता की जीत पिछले 3 साल में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जनता के लिए वहां मौजूद नहीं था, जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया। अमेठी छोड़ के वायनाड चलेंगे, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। यहाँ का रन जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी, तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव लड़ेंगे। नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है, जनता 5 साल में जिस भी कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। ठीक है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है क्योंकि आज अंतिम दिन था, आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा, आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने, तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहां काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी के जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है।